नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। शराबी पिता की मार से परेशान होकर दो बच्चे 8 और 9 साल के पहुंचे पुलिस के पास की अलग रहने की मांग। पिता जब घर आता है शराब के नशे में होता है, रोज मारपीट करता है। यह पिछले 2 सालों से चला रहा। अब हम अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते। जी हाँ, यह सब कलयुग में ही हो सकता है। कुछ ऐसी ही घटना रीवा के समान थाना अंतर्गत मोहल्ले में घटी, जब दो मासूम अपने पिता की मारपीट से परेशान होकर समान थाने अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल के साथ पहुंच गए। 8 और 9 साल के बच्चों का साफ तौर से कहना था, हमारे पिता हमें रोज शराब पीकर मारते हैं। यह पिछले 2 सालों से चला आ रहा है। अब हम अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते। उनके पिता उनसे ठेला लगवाते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं बच्चों का क्या कहना है। पापा मम्मी यहीं रहते तुम्हारे साथ? मम्मी को जला के मार डाले हैं। कब? जनवरी में। तो 2 साल हो रहे हैं। तुम पापा के साथ रहते हो ना? हाँ, पापा हमसे ठेला चलवाते और मारते हैं, इसलिए हम अंकल के पास रहना चाहते हैं। कौन अंकल? वाले अंकल के पास। और तुम्हारे दादी दादा नहीं है कोई घर में? दादी भी मरवाती है पापा से। पापा क्या करते हैं? पापा ठेले के हम लोग ठेला लगाएंगे, पापा दारू पी के सोएंगे, हम लोग पूरा दिन ठेला लगाएंगे। कहाँ पे लगाते हो बेटा ठेला? सुनील डॉक्टर खरबूजा कलिंदा का। कब से मार्केट कर रहे हैं? 2 साल हुए। पढ़ाई वगैरह करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? फिफ्थ। कहाँ पढ़ते हैं? बाल भारती। पढ़ाई फ्री है, उनके पास रहना चाहते हैं। ये अंकल कहाँ रहते हैं? ये हमारे घर के पीछे रहते हैं। ये रखना चाहते हैं तुमको? हाँ। अभी आप सुन रहे थे दो मासूम बच्चों की कहानी उन्हीं के मुख से। वहीं पड़ोसी की माने तो यह बच्चे अक्सर उनके यहाँ रात को पहुंच जाते हैं। वह उनको खाने पीने की व्यवस्था करने के साथ सोने का इंतजाम करते हैं। सुबह वह बच्चों को फिर से अपने पिता के घर पहुंचा देते हैं। यह काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। इस बार वह बच्चों को लेकर पुलिस के पास पहुँच गए। अब जो भी करना है पुलिस करेगी। वहीं पुलिस का कहना है, दो मासूमों की शिकायत आई है, हम इस पर जांच करेंगे, जो भी बेहतर कार्रवाई होगी वह करेंगे। बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो भी होगा अच्छा होगा। आइए आपको सुनाते हैं समान पुलिस थाने के प्रभारी का क्या कहना है। दो बच्चे थाने में अपने पड़ोसी के साथ में थाने में आए और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी उनके साथ में मारपीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम अपने पिताजी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अपने पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं, जब मारपीट जब भी करते थे अपने पड़ोसी के पास जाते हैं तो वो इलाज उलाज कराते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। करीब 2 साल से इनके पिताजी इनके साथ में मारपीट कर रहे हैं। तो एक बच्चा जो छोटा वाला 9 साल का है, ये बैकुंठपुर में दादी के पास में था, वहाँ से रात को भाग के और यहाँ पे आया होगा। अपने पड़ोसी जो विकास तिवारी, उनके पास उनको सारी बात बताई कि पिताजी और इनके दादी दोनों मारपीट करती हैं, तो हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इनके पिताजी शिव प्रसाद गुप्ता हैं, जो सिरमौर चौराहे पे तरबूज का ठेला लगाते हैं और दोनों बच्चे बाल भारती स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अब इनके आगे क्या कदम उठाया जाएगा? अभी बाल कल्याण समिति होती है, बच्चों की होती है, उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो भी वहाँ पर डिसीजन हो उस हिसाब से इनको रखा जाएगा। अभी पिताजी तो इसके भाग गए हैं, जैसे मिलते हैं तो उनसे ही पूछताछ की जाएगी इस संबंध में। इस बारे में जब हमने रीवा के पुलिस अधीक्षक से बात की तो उनका भी कहना था, बच्चों के लिए बेहतर ही किया जाएगा, हमें शिकायत मिली है, हम जांच करवा के उचित कार्रवाई करेंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर एक बोर्ड भी है, जो भी उनकी बेहतरी के लिए लीगल कार्रवाई होगी वह की जाएगी। कि अभी समान थाने में हमारे यहाँ दो बच्चे पहुँचे हैं, एक की उम्र 10 साल के लगभग लग रही है, कि 9 साल के लगभग लग रही है। दोनों बच्चों की ये शिकायत है कि उनके जो पिता हैं वो उनको बहुत मारते पीटते हैं और माँ उनकी उनका स्वर्गवास हो चुका है और उनकी दादी हैं, उनके साथ भी बच्चे नहीं रहना चाहते हैं।
ऐसा बताया गया बच्चों के द्वारा कि कल शायद कमरे में बंद करके उनको बहुत पीटा गया है, तो इसके बाद से बच्चे बैकुंठपुर से भाग करके किसी की सहायता लेकर के यहाँ रीवा पहुँचे हैं, और रीवा में उन्होंने समान थाने में जाके इस तरह की सूचना हम लोग को दी है। तो उसके आधार पर हम लोग अभी आगे कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं, जो हमारा जो नायल बोर्ड बना हुआ है यहाँ पर उनके समक्ष उनको पेश करेंगे, आवश्यकता पड़ती है तो कोई लीगल कार्रवाई भी करना होगी तो वो भी की जाएगी। मैं आज़ाद नगर में रहता हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, एक बच्ची हैं, तो इनके बच्चे फ्रेंड हैं, स्कूल से फ्रेंड हैं, तो ये एक दिन भाग के आए हमारे घर और बोले कि हमको पापा लोग मारे हैं, पापा मारे हैं, शराब पी के रखे हैं, 1 बजे रात, शायद 12:30 1 बजे रात, ठीक है, खटखटाया दरवाज़ा तो हम खोले अंदर कर लिए, तो बच्चों ने बताया ऐसी ऐसी बात है, तो उनके खाना पीना खिलाया, सुला दिए, दूसरे दिन इनके पापा के घर पहुँचा दिया, सो रहे थे, पापा हमने नहीं जगाया कि भाई चले जाओ तुम, अब कहाँ भाई रखे ना। और उसके बाद क्या है कि दूसरे दिन खेलने आए थे तो उसके सर में लग गई चोट, तो फिर हम लोग ले गए, मैं और मेरा दोस्त है, भाई है विकास तिवारी, तीर्थ वाले के यहाँ हॉस्पिटल, तो उसके इलाज कराए, 8 टांके लगे हैं सर में, और उसके बाद फिर लेके आए घर में, और उसके पापा को सूचना दी तो उसके पापा थे नहीं, कहीं चले गए थे, और फिर शाम तक इंतज़ार हमने किया कि शायद आके ले जाए कोई बच्चों को, तो नहीं आया, पता चला कि इनके पापा शराब पीकर सिरमौर चौराहे में वो जो एक नाली है वहीं पर पड़े थे, और ठेला खाली था, मतलब ना कोई सब्जी भाजी नहीं था, फिर उसके बाद हमने इनको रात में सुला लिया अपने पास, ठीक है, फिर सुबह क्या हुआ, इनकी दादी आई, दादी घर आई तो इनको, दादी को हमने इनको सुपुर्द कर दिया कि माता जी इनको देखिए, पालिए पोसिए, अगर कोई समस्या है, आदमी जानवर के बच्चों को भी पाल लेता है तो ये तो इंसान के बच्चे हैं, दो बच्चे हमारे ऑलरेडी पल रहे हैं तो ये भी पल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इनको ले जाइए और बैकुंठपुर अच्छे से देखिए, पापा के हवाले मत करिए, मार डालेगा, बहुत बुरी तरीके से मारा था, मतलब पूरी रात बच्चे सो नहीं पाए हैं, पूरी रात रो रहे थे, इतना दर्द था इनको। आज कल रात की बात है, कल मैं सुबह सुबह दादी आई तो इनको हैंड ओवर कर दिया दादी के, बैकुंठपुर ले गई, फिर वहाँ इनके साथ क्या मारपीट हुई, अब वहाँ तो हम थे नहीं, तो मैं घर में था, तो रात में बच्चा, एक बच्चा छोटा वाला, बड़े वाला वो बताया कि दादा को मेरे घर में बेड़ लिए हैं, हम मारे हैं और हमको भी बहुत मारे हैं, तो हम मौका पा के भाग आए हैं, बैकुंठपुर से बच्चा रात में अकेले मेरे घर आ गया, जानता है क्योंकि अब पता नहीं किस हालत में आया, कैसे आया, गाड़ी से आया, बस से आया, और वही बताया, तो फिर सुबह सुबह रूम मालिक है जो मेरे साहब सिंह है, तो उनको मैंने कॉल किया, भैया ऐसी ऐसी बात है और बच्चे बता रहे हैं कि मार डालेगा पापा इसका, तलवार लेके बका, मतलब कह रहा कि मार डालेंगे, हेर रहा, और बहुत पिया हुआ था, भैया आए तो इसका पापा भी पीछे से आ गया, तो भैया ने 100 नंबर डायल 100 में फ़ोन लगाया और बुलाया पुलिस को, तो इतने में इसका पापा भाग गया, तो फिर हो गया, पुलिस आई जब, तो हमने इनको लेके चले आए थाना कि भाई जो भी है तो यहाँ मैडम निराकरण करेंगी बच्चों को, अगर कोई समस्या है तो बच्चों को हम अपने पास रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी से तैयार हैं।